रूम है, जब वहां से लेके गेट में घूमते हैं पूरा, इसको बोलते हैं एलटी पैनल रूम। ठीक है, यहाँ एसी सप्लाई बिल्कुल नहीं, सिर्फ एलटी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलटी पैनल रूम। या कितनी वोल्टेज आई हुई उसमें बताएगा, 440 या 415 वोल्ट, 340 तो बहुत कम हो जाती है, 400 से जो एक कहेंगे ना कितनी बात है, 415 आती है, 440। ठीक है, सिंगल फेज में अगर बात करेंगे, न्यूट्रल फेज की बात करेंगे तो 220 है। ठीक है, तो अभी वही हमारे घर में, आप सबसे पहले हम अपने घर से ही चालू करते हैं, हमारे घर में लाइट आती है, तो कैसे कैसे लाइट आती है हमारे घर में, हमारे घर के पास बाउंड्री के इस साइड में, जैसे जो एग्जिट गेट है ना, एग्जिट गेट में एक साइड में एक कमरा बना हुआ है बड़ा सा, उसमें एक मीटर रूम लगा हुआ है। ठीक है, तो वहां से सप्लाई आई, या कितनी सप्लाई आ रखी है, 415 33,000 वोल्टेज इधर आ रखी है, 33 केवी इनकमिंग कितनी आ रखी है, 33 केवी। मेरी नहीं बनानी, थोड़ा दिखाना, यहाँ पर कितनी आ रही है, 33 केवी अपनी वोल्टेज आ रही है। तो 33 केवी से क्या हुआ, 33 केवी कहाँ है, सबसे पहले मीटर रूम में। मैं आप लोगों से SLD बनवाऊंगा, यहाँ जाके सबसे पहले मुझे SLD बना के दिखानी इसकी, तो दिमाग में बैठा देना कैसे कैसे बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, जैसे तुम्हारे घर में आई है 33 केवी सबसे पहले कहाँ आई, मीटर रूम में। तो वो कौन सी सप्लाई आ रही है, जैसे इधर NPCL की सप्लाई है, तो NPCL के सब स्टेशन से कहाँ पे आ गई हमारे, मीटर रूम में, हमने बॉक्स बना दिया, मीटर रूम बन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में कहाँ सप्लाई आएगी, MCV, उसके बाद में सप्लाई आएगी हमारी HT पैनल रूम में कहाँ पर आएगी, VCB में। तो जो ब्रेकर ज्यादातर यूज होते हैं 33 KVA तक, वो VCB ज्यादा यूज करते हैं, अगर 33 KVA है उससे ऊपर SF6 ब्रेकर यूज किए जाते हैं, अदरवाइज हमारा VCB ज्यादातर यूज करते हैं, यहाँ पर VCB यूज किया गया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है भैया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आगे वहां से एक केबल आई VCB। ठीक है, VCB से फिर एक वायर निकली, मतलब एक केबल निकली, वो कहाँ जाएगी, VCB से निकली, वो कहाँ जाएगी, ट्रांसफार्मर में गई, ट्रांसफार्मर में कितनी घुसी, 33,000 घुसेगी ना भाई, पीछे से मीटर में 33,000 आई, मीटर से VCB में 33,000 आई, उसके बाद ट्रांसफार्मर में कितनी घुसी, 33,000, और निकली कितनी, 415।